हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो जाधवपुर कोलकाता की वैकेंसी है, जो कि 16 नवंबर 2023 को पब्लिश की गई थी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप तक समय पर पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई किस तरीके से करना है। आप लोगों को अप्लाई करने के लिए सर्च करना होगा apply@iacs.res.in। यहाँ पर आप लोगों को अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, पूरा बायोडाटा आपको यहाँ मेंशन करना रहेगा। उसके बाद आपका जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसको आप लोगों को इस एड्रेस पे सेंड करना है। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो मेंशन है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एड्रेस टू डायरेक्टर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस 2A&B राजा SC मुलेक रोड कोलकाता 70032 पर आप लोगों को इसे पोस्ट कर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप SC ST या फिर वुमेंस कैटेगरीज़ में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ₹1500 एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। बाकी जो भी कैटेगरीज़ हैं उसके लिए यहाँ पर ₹2000 एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसका जो क्वालिफ़िकेशन है और जो पे स्केल यहाँ रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 12 लेवल का पे स्केल रखा गया है, और साथ ही साथ जो यहाँ क्वालिफ़िकेशन है उसमें आप लोगों को PhD विथ 4 ईयर्स ऑफ पोस्ट डायरेक्टरल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, विथ कमेंडेबल रिसर्च पब्लिकेशन भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर एज लिमिट 50 ईयर्स के करीब दिया गया है। तो सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पे स्केल 13 लेवल का रखा गया है। PhD में आप लोगों को 8 साल का यहाँ पर इंडिपेंडेंट टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 50 ईयर्स का यहाँ पर भी आप लोगों का एज लिमिट रखा गया है। प्रोफेसर के लिए पे स्केल जो है 13 लेवल का रखा गया है, और एज लिमिट यहाँ पर 15 ईयर्स यहाँ पर भी रखी गई है। तो सैलरी आप लोगों की काफ़ी अच्छी है। 12 अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बात कर ले तो आप लोगों का 70,000 के करीब यहाँ पर पे स्केल रखा गया, सैलरी रखी गई है यहाँ पर जो एप्लीकेशन निकल कर आया है, यहाँ कई डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। तो आप है हर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटों की संख्या अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप स्कूल ऑफ अप्लाइड एंड इंटर डिसिप्लिनरी साइंस के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एक सीट रखी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एक सीट रखी गई है। वहीं अगर आप स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ प्रोफेसर के लिए एक सीट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक सीट और प्रोफेसर के लिए कुल 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस से अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए एक, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन में आप देख लें, आपकी जो सीट संख्या है उसे भी आप चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। इस नोटिफिकेशन में आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है फैकल्टी पोजीशन के लिए वो भी मेंशन है, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगा गया है वो परमानेंट पोस्ट के लिए निकल कर आया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ से फॉर्म फिलअप करने के लिए तो इसका जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।